हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा नीतिकालीन कवि केशवदास चल रहा था, केशवदास की रामचंद्र का, जिसमें श्री राम का पूर्ण वर्णन किया गया है और श्री रामचंद्र का की ही अंश है अंगद और रावण का संवाद, यानी अंगद और रावण में वार्तालाप हो रहा है। अंगद जो श्री राम के दूत बनकर के लंका में गए हैं, लंका में जाने के बाद में वो रावण को समझा रहे हैं कि भाई रावण तुम मेरी बात मान जाओ, तुम माता सीता को खुशी खुशी सहर्ष और चरण वंदना करके श्री राम को लौटा दो, इसी में तुम्हारा भला है, नहीं तो तुम्हारे सहित तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश अवश्यंभावी है, यानी सब मारे जाओगे, कोई बचने वाला नहीं है। रावण को बार बार समझाता है, लेकिन बार बार रावण के समझाने के बावजूद भी रावण किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, बल्कि रावण राम के विरोध में ही बोलता है। रावण जो है वो अंगद की बातों पर गौर नहीं करते, उन पर वो हृदय कम नहीं करते और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और वो किसी भी हालत में माता सीता को लौटाने के पक्ष में नहीं है। तो देखो रावण जो है वो अंगद से क्या कह रहा है, यानी मैं माता सीता को लौटा तो दूंगा, यानी सीता को लौटा दूंगा श्री राम के लिए, लेकिन वो अपनी शर्त रख रहा है यहाँ पर कि मेरी ये शर्त है, अगर इन शर्तों को यहाँ पर तुम्हारे प्रभु श्री राम मानते हैं तो निश्चित ही मैं सीता को लौटा दूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर जब तक अमल नहीं किया जाता मैं सीता को किसी भी हालत में राम को लौटाने वाला नहीं। क्या कह रहा है रावण, देखो देही अंगद राज तो कई मार बानर राज को बांध देही विभीषणों और भोर से तू समाज को पूछ जा रही अक्षर रूपों की पाई ला गई रुद्र के सिया को तब देहू राम पार जाए समुद्र के। क्या कहा देखो अंगद से रावण ने, देही अंगद राज तो कहे मार बानर राज को, मैं सीता को पहली शर्त बता रहा है कब लौटा सकता हूं, देही माने देह, अंगद माने अंगद, राज माने राज को, तो कहीं माने तो हूं, यदि श्री राम तेरे लिए राज प्रदान करें, और राज प्रदान कैसे करें, मार बानर राज को, मार माने मार करके, बानर राज यानी बानरों के राजा अर्थात यहां पर सुग्रीव, बानरों का राजा कौन है सुग्रीव, यदि वो राजा सुग्रीव को मार दे, बानर राज सुग्रीव का वध कर दे और राजा सुग्रीव का वध करने के बाद में वो मुझसे कहें कि सीता को लौटा दो तो मैं लौटा सकता हूँ, यानी पहले तो वो सुग्रीव को मारे, सुग्रीव को मार देंगे तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, यानी बानरों का राजा, देही अंगद राज और तुम्हारे लिए राज प्रदान करते, यानी सुग्रीव से राज लेकर के यदि वो तुम्हें दे दे, फिर से कूटनीति का सहारा, अंगद के फिर से कूटनीति का सहारा ले रहा है यहाँ रावण, यदि वो सुग्रीव है तुम्हारे जो चाचा सुग्रीव है उसे मार करके उस बानरों का राजा तुम्हें बना दे श्री राम। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, बांध दे विभीषणों और भोर से तू समाज को, बांध दे यानी बांध करके दे ही माने दे दे, विभीषणा माने विभीषण को, और भोर से तू समाज को यानी मेरा भाई जो विभीषण है मुझसे दूर चला गया है, मुझसे वो शत्रुता साध रहा है, मेरे लंका का राज हड़पना चाहता है, तो उसे क्या करे वो बांध दे यानी बांध करके मुझे दे ही माने दे लौटा दे, कौन विभीषण को, श्री राम उस विभीषण को बांधे, यानी विभीषण किसके पक्ष में चला गया है, राम की सेना में राम के साथ में युद्ध लड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि विभीषण को मेरा जो भाई विभीषण है उसे बांध करके दे ही माने मुझे दे, मुझे लौटा दे, और फोर से तू समाज को, और वो माने और फोर माने फोर दे से तू समाज यानी संपूर्ण से तू, यानी जितना भी राम ने पुल बनाया है भारत से लेकर के लंका तक का, उस संपूर्ण समुद्र को फोड़ दे और उस विभीषण को बांध करके मेरे लिए लौटा दे। अगला क्या दिया उसने कि वो बानर राज सुग्रीव को मार दे और तेरे लिए क्या कर दे, बानरों का राज प्रदान कर दे, और क्या शर्त है, पूछ जा रहे अक्षर को, पूछ माने पूछ जा रहे माने जला करके, अक्षर को, अक्ष माने अक्षय कुमार जो इसका पुत्र था, छोटा पुत्र था, रिपु माने शत्रु, अर्थात उसके अक्षय कुमार को किसने मारा था यहाँ पर, हनुमान ने, तो अक्षय का शत्रु कौन हो गया, हनुमान, कौन हो गया, हनुमान, तो पूछ जा रहे अक्षर को यानी हनुमान की पूछ में क्या लगा दे, वो आग लगा दे यानी पूछ को जला दे, पूछ जा रहे माने जला दे, अक्षर को माने हनुमान की पाई लागे रुद्र के, और पाई माने पैर, लागे माने लग जाए पड़ जाए, रुद्र के माने सिर के,
शिव का सबसे बड़ा भक्त है रावण, और वो कह रहा है कि मेरा आराध्य शिव यदि शिव के पैरों में आकर के श्री राम पड़ जाए, श्री राम की पूंछ में आग लगा दे और शिव के पैरों में पड़ जाए, सीए को तब देहूं राम पार जाए समुद्र के, मैं सीए को तब दूंगा राम के लिए वो पार जाए समुद्र के, सीए को तब देहूं यानी सीए माने सीता को, तब देहूं माने तब दूंगा राम माने राम को पार जाए समुद्र के, और इन सब कार्यों को करने के बाद में वो समुद्र से पार चला जाए अर्थात लंका को छोड़ करके फिर से भारत में चले जाए। तो क्या शर्त रखी है, पहले तो वो सुग्रीव का वध करे और सुग्रीव का वध करने के बाद तुम्हें राज दे दे, वानरों का राजा बना दे। दूसरा क्या किया इसने, जो मेरा भाई विभीषण है उस विभीषण को बांध करके मुझे लौटा दे। और क्या शर्त रखी है, और संपूर्ण जो सेतु जो बड़ा पुल बनाया है उस पुल को तोड़ दे, वो पूछ जा रहे अक्षर को और हनुमान की पूछ वो जला दे, आग लगा दे, पाए लागे रुद्र के, और मेरे आराध्य जो शिव है उस शिव के पैर पड़ जाए, सीए को तब दूंगा जब वो समुद्र से पार वापस चला जाएगा तब जाकर के मैं सीता को लौटा सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी भी हालत में सीता को लौटाने वाला नहीं। ऐसी शर्त रखी है जो किसी भी हालत में श्री राम मानने वाले नहीं है, किसी भी हालत में मानने वाले नहीं है, तो रावण भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, किसी भी हालत में सीता को लौटाने वाला नहीं है। अंगद क्या करा, देखो अंक लाए गयो बलि हनुमान तो संतन गाय को, सिंधु बांधत सौंद के नल छीर छीट बहाई हो, ताही तो समेत अन्न उखाड़ के उल्टी करो, आज राज कहां विभीषण बैठे देते डरो। लंक लाए गयो बलि हनुमंत संतन गायो, अंगद कह रहा कि लंक माने लंका में, लाई माने आग, गयो बलि हनुमंत यानी जो हनुमंत माने जो हनुमान है वो लंक लाई गयो यानी लंका में क्या लगा गया, लाई माने आग, यानी सब लोग कहते हैं कि सब संतन, सब लोग संतन पुरुष जो सज्जन पुरुष है जो भले मनुष्य है वो सब कहते हैं, नाइयों माने कहते हैं गाते हैं, उनके मुख से सुना जाता है कि हनुमान ने इस लंका में क्या लगा दी थी, लाई माने आग, लंक माने लंका में, लाई माने आग, गयो बलि लगा करके, गयो माने गयो, बलि माने बलिशाली, हनुमंत माने हनुमान, संतन गायो ऐसा सब सज्जन पुरुष कहते हैं, सब भले मनुष्य कहते हैं। और क्या किया अंगद कह रहा है, हनुमान ने सिंधु बांधत सोध के नल छीर छीट बहाइयो, सिंधु बांधत यानी सिंधु बांधत माने बांधते समय, यानी सिंधु माने सागर को बांधते समय अर्थात सागर पर पुल बनाते समय, नल छीर छीट बहाइयो, जब नल नल और नील जो पुल बना रहे थे जो श्री राम का नाम लिख लिख करके पत्थरों पर डाल रहे थे, उनके हाथों से डाला गया पत्थर तैरता जा रहा था, तो बता रहा है सिंधु बांधत यानी सागर को बांधते समय शोध के माने सावधानी पूर्वक नल छीर छीट वायु, तो नल ने जो समुद्र पर सेतु बनाया पुल बनाया उसकी छीर 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 माने पानी की छीट माने छीर से वायु माने बह गया, अर्थात जिस समय नल पुल बना रहे थे और पुल बनाते समय पानी में जो पत्थर पटक रहे थे उन पत्थरों के जो पानी उछट उछट करके जा रहा था उसकी छींटे तुम्हारे इस लंका में पड़ रही थी, तो उनसे ही भाइयों यानी उससे तुम्हारी लंका में पानी पानी हो गया, उनसे तुम्हारी लंका बहने लगी। कितने कितने बड़े महारथी हैं बताओ श्री राम की सेना में, ताई तोई समेत अंत उखाड़ के उल्टी करो, और अपनी बात कर रहा है ताही तोई समेत अंध उखाड़ को उल्टी करो, ताही माने वही मैं यानी कि यहाँ पर अंगद कर रहा है तोही समेत यानी तेरे समेत, यानी ताही माने से तेरी लंका और तोही माने तू लंका, ये तो तेरी लंका है, और तू तोही माने तू समेत माने साथ में अंध माने अंध कर दूं यानी कि क्या करूं उखाड़ के उल्टी करूं, यानी तेरे को और पूरी तेरी लंका को उखाड़ लूं और उखाड़ करके क्या कर दूं उल्टी कर दूं, मेरे में इतना बल है मेरी भुजाओं में कि मेरे मन में आप तो ऐसी आती है कि तेरे समेत तेरी लंका को उखाड़ करके उल्टी कर दूं। आज राज कहां विभीषण बैठे तेते डरो, अरे मैं तो ऐसा कर देता तेरे समेत तेरी लंका को उखाड़ कर उल्टी कर देता, सबका विनाश कर देता, सबको मार देता, लेकिन आज राज कहां विभीषण, लेकिन ऐसा करने के बाद में आज माने आज राज कहां विभीषण बैठते ही ते डरो, मैं इससे डरता हूं कि राज कहां विभीषण, यदि मैं श्रीलंका को नष्ट कर दूंगा तो राज विभीषण यानी विभीषण राज कहां करेगा, तेरे मरने के बाद में विभीषण राजा बनेगा तो वो कहां बैठ करके राज करेगा, इसलिए
पेट के तीह के डर, इसी कारण तीह के माने इसी कारण डरो माने डर रहा हूँ, इसी कारण मैं तुझे और तेरी लंका का नाश नहीं कर रहा हूँ, विनाश नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का तेरी लंका को उखाड़ करके फेंक देता, तेरे से सबको मार देता। लेकिन मैं तो इससे डर रहा हूँ कि जो तुम्हारा भाई विभीषण है, जो तुम्हारे बनने के बाद में जो राम भक्त विभीषण है, वो कहाँ बैठ करके राज करेगा, इसलिए मैं इससे डर रहा हूँ। अंतिम पंक्ति है ऋषभ दास के जो पाठ है हमारा, अंतिम पंक्ति है, अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ो सुदान, मनो चलो यम लोक को दस सिर को प्रस्थान, अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाए, राम विभीषण की सिर से दूषित कियो बनाए। कितना बढ़िया पद दिया है, अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ो सुदान, ऐसा कह करके जो अंगद है रावण को मुकुट, यानी रावण के मुकुट को लेकर उड़ो सुजान, यानी बड़ी चालाकी से बड़ी चतुराई से अंगद ने रावण के सिर से उसका मुकुट छीन लिया। तो देखो अंगद रावण का मुकुट लेकर उड़ो सुजान, और लेकर के उड़ गया सुजान माने ज्ञानी चतुर, इतनी चतुराई से मुकुट छीना कि तुरंत झपट्टा मार करके उसके सिर से मुकुट उतारा और लेकर के उसे उड़ चला अच्छी तरीके से। सिद्धांत माने ज्ञानी, अच्छा आदमी, भला मनुष्य, भद्र पुरुष। मनो चलो यम लोक को दस सिर को प्रस्थान, मनो माने मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार है, मनो माने मानो, चलो माने चलो, यम लोक को ऐसे रावण के मुकुट को लेकर के जा रहा है, जाने की कहां लेकर उड़ा जा रहा है, यम लोक को जा रहा है, यमराज के पास जा रहा है। दस सिर को प्रस्थान, दस सिर माने रावण को ऐसा ले जा रहा है, स्वयं रावण को पकड़ करके कहां ले जा रहा है, यमलोक पहुंचाने जा रहा है। दस सिर रावण को प्रस्थान है, उसको लेकर के प्रस्थान कर गया, गमन कर गया, ऐसे उड़ा हुआ जा रहा है। अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाए, और देखो उस मुकुट को ले जाकर के कहां ले गए अंगद, अंगद लेकर के वा माने उस मुकुट को, माने उस मुकुट को परे राम के पाए, राम के पैरों में पड़ गए, अर्थात उस मुकुट को राम के पैरों में रख दिया, राम के चरणों में रख दिया। रावण के मुकुट को ले जाकर कहां रख दिया, राम के पैरों में, राम के चरणों में रख दिया, राम के कदमों में रख दिया। ऐसा लगा जैसे स्वयं उस रावण पर विजय प्राप्त करके आ गए, उसका मुकुट छीन करके आ गए, राम विभीषण के सिर से भूषित किए बनाए। और राम ने क्या किया उस मुकुट को, विभीषण के सिर, यानी रावण का छोटा भाई विभीषण जो राम भक्त था, सिरस माने सर पर, यानी राम ने उस मुकुट को उठा करके विभीषण के सर पर रख दिया, उसको राजा बना दिया लंका का। राम विभीषण के सिरस, यानी राम ने विभीषण के सिरस माने सिर पर रख दिया, भूषित किया बनाए, और उसे भूषित कर दिया, आभूषित कर दिया, बनाए माने उसे बना दिया, अरे राजा बना दिया। यानी राम ने विभीषण के सिर पर वो रावण का मुकुट रखा, वो इतना आच्छादित हुआ, और उसको वहीं पर लंका का क्या बना दिया, रावण वो राजा बना दिया, वहीं पर लंका का राजा घोषित कर दिया। और लंका में से जो लेकर के कौन आया था उस मुकुट को, रावण के सिर से अंगद, और अंगद ने रखा रावण के मुकुट को श्री राम के चरणों में, और राम ने उस मुकुट को उठा करके कहां रख दिया, विभीषण के सिर पर। और यहां पर विभीषण को श्री राम ने क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो बच्चे ये तुम्हारा केशवदास कौन होता है, इसके नोट्स हैं जो मैं डालूंगा, इसके बाद में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, और अभी मैं इनको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसका नोट्स वगैरह वो डाल देंगे, और उसके बाद में हमारा अगला पाठ शुरू होगा। धन्यवाद।